everyone, I am Vishesha. Welcome back to Kapil Physics classes. In this video, we are going to study the last class of algae, that is Rhodopsia, also known as red algae. In the last videos, we have studied about the two classes of algae that are known as Chlorophyce is green algae and the Phaeophyce is brown algae. Today we are going to study the last class, that is Rhodopsia, also known as red algae. So, सबसे पहले the habitat of red algae, ये हमारी कैसी होती है? Mostly marine होती है. हमने last पढ़ा था कि brown algae जो है वो भी marine है, और जो green algae थी वो marine और फ्रेश वाटर दोनों में मिलती हैं. ये जो होती हैं वो मोस्टली मैराइन होती है, और डीप अंडर डेप्थ एरिया जो होता है, मतलब कि ओशन या फिर सी का जो एकदम ग्राउंड लेवल होता है, एकदम डेप्थ में मिलती है, जहाँ पे क्या होता है वार्म एरिया होता है, इसलिए इनको बोलते हैं डीपेस्ट एल्गी. इनको डीपेस्ट एल्गी भी बोलते हैं. They are also known as ancient algae. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी, सबसे पहले यही algae जो थी डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी, इसलिए इनको ancient algae भी बोलते हैं. और क्योंकि ये सी लेवल के डेप्थ में मिलती हैं, बिल्कुल लास्ट लेवल जो होता है डीपेस्ट लेवल पे मिलती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं डीपेस्ट algae. और रेयरली ही ये फ्रेश वाटर में मिलती है. कुछ स्पीशीज इनकी जो है फ्रेश वाटर में मिलती है, और कुछ कहां पे मिलती है ब्रैकिश वाटर में. इनका बॉडी फॉर्म किस टाइप का होता है? तो हमने पढ़ा था ब्राउन एल्गी में कि जो उनका बॉडी फॉर्म था वो खाली कैसा था, मल्टी सेल्यूलर. और ग्रीन एल्गी में मल्टी सेल्यूलर भी थे और यूनिसेल्यूलर भी थे. बट इन रेड एल्गी देर आर मल्टी सेल्यूलर एज वेल एज यूनिसेल्यूलर. पर जो हमारे मल्टी सेल्यूलर है स्पीशीज वो ज्यादा है. यूनिसेल्यूलर कुछ एक दो ही स्पीशीज हैं जो यूनिसेल्यूलर है, पर स्टिल यूनिसेल्यूलर एल्गीज आर ऑल्सो इन द रेड एल्गीज. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज पोरोफायरा. ये क्या है? यूनिसेल्यूलर एल्गी है जो कि क्या है रेड एल्गी. और मोस्टली ये फिलामेंटस फॉर्म में मिलती है. जो मल्टीसेल्यूलर स्पीशीज है रेड एल्गी की वो किस फॉर्म में होते हैं? फिलामेंटस फॉर्म में होती है, और कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनका, मतलब कि वही ब्रांच बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ब्रांच बनाएंगे. और मोस्टली ये भी किसी भी सबस्ट्रेट से कनेक्टेड होती हैं, अटैच्ड होती हैं मोस्टली सबस्ट्रेट से. अब आते हैं सेल वॉल पर. तो जो इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन है, सेल वॉल में क्या है इनके? सेल्युलोज, दैट इज इन ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम के हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल्युलोज की सेल वॉल में सेल्युलोज जरूर हो गई. नेक्स्ट है इसमें डिफरेंट जो है हमारा कंपोनेंट सेल वॉल में वो है पेक्टिन, पॉलीसल्फेट, ईस्टर एंड केराजीन. लास्ट हमने पढ़ा था ब्राउन एल्गी में, जो ब्राउन एल्गी की सेल वॉल थी वो किस किस से मिलके बनी थी? एल्जीन एंड सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज सिमिलर इन ऑल थ्री क्लासेस. इसमें सेल्यूलोज एंड पेक्टोज. तो यहाँ पे जो एल्जीन थी वो भी क्या थी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी उसके पास भी, मतलब कि
मेनली जो हमारी मैराइन स्पीशीज है एल्गी की, उनके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होता है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। तो ऐसा ही जैसे ब्राउन एल्गी में एल्जीन थी, इसमें क्या है, कैराजीन। ये भी क्या है, इट हैव द कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसमें। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से क्या होता है कि ये बियोंसी वाला इफेक्ट देती है, मतलब कि फ्लोट करने में हेल्प करती है एल्गी को। ये जो होती है कैराजीन, ये क्या करती है, बियोंसी बायोंसी सी इफेक्ट शो करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैराजीन इन द सेल वॉल। नेक्स्ट है पिगमेंट्स। इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट ए। पिगमेंट ए इज सिमिलर इन बोथ ऑफ द अदर एल्गीज टू, सिमिलर इन ऑल थ्री एल्गीज। In all, chlorophyll B is present in red algae and ये हमारे green algae में भी थी। तो इसमें कौन कौन से pigment होते हैं, chlorophyll A, B, beta carotene, ये भी हमारे green algae में भी थी और brown green algae में भी है, brown algae में भी है और यहाँ पे आप red algae में भी है, तीनों ग्रुप में प्रेजेंट होगी। फिर आता है हमारा फायोकोबलिन। ये एक ऐसा पिगमेंट है, इस पिगमेंट में प्रेजेंट होता है हमारा फाइको इरेथ्रीन। फाइक्रो इरेथ्रीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ एल्गी। ये पिगमेंट क्या करता है, जो रेड कलर होता है, रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एल्गी का कलर है वो कैसा अपीयर होगा, रेड। तो जितना ज़्यादा ये वाला पिगमेंट प्रेजेंट होगा बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितना ज़्यादा ये वाला पिगमेंट प्रेजेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा बॉडी कितनी रेडिश कलर शो करेगी। ये एल्गी जो है रेड एल्गी, ये खाली रेड ही कलर की नहीं होंगी, कुछ एल्गी जो होंगी वो रेड, मेजरली रेड ही होंगी, बट कुछ यू आर ब्लूइश रेड। जिनमें पिगमेंट फाइको इरेथ्रीन थोड़ा कम होता है, जो सरफेस लेवल पे प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि मेजरली तो ये हमारी कहाँ मिल रही है, मेजरली हमारी ये मिलती है डेप्थ में, तो जितनी डेप्थ में जाती जाएंगी और उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेंगी, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगी। जो अपर सरफेस पे है वो उनको तो लाइट ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा लाइट मिलने की वजह से उनको क्या है, रेड वो फाइको इरेथ्रीन ज़्यादा अमाउंट में उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिर वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट भी कम कर पाते हैं, इसलिए उनका कलर कैसा होता है, थोड़ा ब्लूइश रेड होता है। और जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होता है, फाइको इरेथ्रीन होता है, उतने ही ज़्यादा वो रेड कलर का अपीयरेंस देती है। वरना तो अगर, और ये जो हमारे फाइको इरेथ्रीन होता है ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, अगर हमारे सर नीचे वाले डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पे तो लाइट जो है पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो इनका फूड जो है वो फ्लोरिड इन स्टार्च। ये जो हमारे पिगमेंट स्टोर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं,
फाइकोइरेथ्रीन जो कि हमारे रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और भी जो हमारे सेल की कंपोजिशन है वो डिफरेंट होने की वजह से हमारा जो इसका रेड एल्गी का जो फूड स्टोरेज यूनिट है, फूड जो जिसमें स्टोर होता है फ्लोरिडिन स्टार्च, ये भी डिफरेंट होता है बाकी दोनों एल्गी की क्लासेस से। तो फ्लोरिडिन स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑफ स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की जैसा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी रेड एल्गी है वो हमारी मोस्टली क्या होती है, मैराइन होती है और डेप्थ पे रहती है, सी की जो सी या फिर ओशन की एकदम डेप्थ मोस्टली जो मिलती है वो डेप्थ लेवल पे मिलती है, और उसकी वजह से उन्हें क्या बोलते हैं, डीपेस्ट एल्गी। और ये इनको माना जाता है कि ये सबसे प्रिमिटिव एल्गी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एंशियंट एल्गी। इनका बॉडी फॉर्म जो होता है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है, पर मेजरली ज़्यादातर ये क्या मिलती है, मल्टी सेल्युलर मिलती है। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है। इनकी जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सेल्यूलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर और केराजीन। और केराजीन की क्या प्रॉपर्टी होती है, केराजीन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसकी, वो पानी को होल्ड करके रखता है जिसकी वजह से जो एल्गी है वो फ्लोट कर पाती है बियोंसी इफेक्ट की वजह से। फिर है पिगमेंट्स, पिगमेंट्स हमारे ए एंड बी एंड बीटा कैरोटीन, ये हमारे सिमिलर होते हैं क्लोरोफाइसी की जैसे ही, मतलब ग्रीन एल्गी में भी सेम पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और हमारे क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन ये हमारे ब्राउन एल्गी में भी प्रेजेंट होते हैं। पर इनमें जो डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो है फाइकोबिलिन, और उसका एक कंपोनेंट क्या है, फाइकोइरेथ्रिन, जो कि रेड एल्गी के जो रेड कलर है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसका उसमें से हमारी जो रेड लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और जितना ज़्यादा ये हमारे फाइकोइरेथ्रिन प्रेजेंट होता है एल्गी के स्ट्रक्चर में बॉडी में उतनी ही ज़्यादा वो क्या करती है, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाती है और उतना ही ज़्यादा उसका रेड डेंस कलर आता है। तो जो हमारे सरफेस पे रेड एल्गीज होती हैं उनमें फाइकोइरेथ्रिन का अमाउंट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए उनका कलर कैसा होता है, ब्लूइश रेड होता है। और जितनी ज़्यादा हम डेप्थ में जाते रहते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होता रहता है, फाइकोइरेथ्रिन का हमारा अमाउंट बढ़ता रहता है और उतना ही ज़्यादा उसका डेंस रेड कलर आता है। फिर है फूड स्टोरेज, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, फूड स्टोर जो होता है वो हमारा फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में होता है, जिसका सिमिलर जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा। नेक्स्ट है हमारा फ्लैजेला। तो हमने जो पढ़ा था कि ग्रीन एल्गी में वो भी फ्लैजिलेटेड थे, उसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट थे, 2 से 6 तक, इवन 8। तो यहाँ पे थे फ्लैजेला। ब्राउन एल्गी जो थी उसमें खाली 2, या तो नॉन मोटाइल होंगे या फिर 0 to 2 हमारे फ्लैजेला हो सकते हैं। पर जो हमारी रेड एल्गी है, रेड एल्गी में हमारे कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते, नो फ्लैजेला। और फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, मोटिलिटी का और मोबाइलिटी। तो फिर जब इनके पास फ्लैजेला ही नहीं है तो कैसे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, नॉन मोटाइल। सारी ही रेड एल्गी जो होती है वो कैसी होती है, नॉन मोटाइल। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों ही एल्गीज में, तीनों क्लास की एल्गी में कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन से। वही पेरेंट एल्गी
फ्रेगमेंट्स बनेंगे, फिर क्या हो गए, फ्रेगमेंट से क्या बन जाएंगे, इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। फिर है असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बनाते हैं आप्लेनोस्पोर्स। आप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, आप्लेनोस्पोर्स होते हैं दोज आर नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। आप्लेनोस्पोर्स कौन से होते हैं, जो कि जिनमें क्या नहीं होता, फ्लैजेला नहीं होता, और क्योंकि उनके पास फ्लैजेला नहीं है तो मोटाइल भी नहीं होंगे, और ऐसे स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं, आप्लेनोस्पोर्स। जो स्पोर्ट्स बनाएंगे उनके पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होगा, नो फ्लैजेला, नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म ही हमारा मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो उसके जो स्पोर्ट्स बनाएंगे, जिससे नए इंडिविजुअल बनेंगे, तो वो भी नॉन मोटाइल ही बनेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, आप्लेनोस्पोर्स। तो ये इसमें डिफरेंस है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी थोड़ा डिफरेंट है बाकी दोनों एल्गीज की क्लासेस से, और असेक्सुअल वाला भी थोड़ा डिफरेंट है, बट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो तीनों ही एल्गी की क्लासेस में सेम है। लास्ट जो रिप्रोडक्शन मोड है वो है हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करती है ये, पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन में ना तो ये आइसोगैमस गैमिट भी नहीं बनाएंगे और एनआइसोगैमस भी नहीं बनाएंगे। ये खाली ऊगैमस टाइप के गैमिट्स बनाएंगे, जिसमें कि क्या होता है, और वो भी कैसे बनाएंगे, नॉन मोटाइल, मतलब कि ये जो होगा, हमने अभी पढ़ा था कि जो रेड एल्गी वो मोस्टली सबस्ट्रेट से जुड़ी हुई होती है, जैसे भी यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो क्या होता है, ये एक प्लांट, ये एक एल्गी का ऑर्गेनिज्म है, एक ही है, इससे मेल गैमिट निकलेगा जो कि नॉन मोटाइल है, ये रहा मेल गैमिट, इसके पास फीमेल गैमिट है, ये क्या करेगा, विद द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि नॉन मोटाइल है, जिसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, नॉन मोटाइल है तो फिर मोबिलिटी इसको मिलेगी, पर मोबिलिटी किस वजह से मिलेगी, विद द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो से ये क्या करेगी, जो फीमेल गैमेट है उसके साथ जाके फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद क्या होगा, नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, तो फिर इसमें ना तो मेल गैमेट भी जो होगा वो नॉन मोटाइल होगा, मेल भी नॉन मोटाइल, मोस्टली बिगर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, मोस्टली स्मॉलर इन साइज, फीमेल जो होगा वो भी नॉन मोटाइल होगा, बट बिगर इन साइज। सो आइडियली तो हमें ये एनाइसोगैमस में आने चाहिए थे, क्योंकि इसमें जो फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट भी नॉन मोटाइल है और ये भी नॉन मोटाइल है, तो इसमें सिमिलैरिटी तो कहीं पे है, पर ये हमारे आइसोगैमस में, एनाइसोगैमस में ना आकर ऊगैमस में इसलिए आए हैं क्योंकि जो इनकी मोबिलिटी है, मेल गैमिट की जो मोबिलिटी मिल रही है वो किससे मिल रही है, हमारी वाटर की फ्लो, विद द फ्लो ऑफ वाटर, ये क्या कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं, पर इनके पास फ्लैजेला नहीं है, इनका खुद का मूवमेंट नहीं है, पर ये वाटर की वजह से मूव कर पा रहे हैं, इसलिए इन्हें किस में डाला है, ऊगैमस। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गीज दैट आर पॉलीबिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिरेडिया एंड जेलीडियम। तो ये जो हमारी दो लास्ट में रेड एल्गीज दी हुई हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, इससे ये क्या होती हैं, जेली लाइक होती हैं, जेली लाइक होती है, और इनसे हम क्या लेते हैं, आगार जेल,
और ये क्योंकि ये जेली लाइक होती है, और ये किस चीज में यूज होती है हमारी, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, हमारी 3 क्लासेस पढ़ी। एक बार हम उनको डिफरेंस देख लेते हैं। रेड एल्गी, इनके पास रेड कलर क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है, फाइकोइरेथ्रीन। ग्रीन एल्गी, इसके पास क्या था, क्लोरोप्लास्ट। एंड ब्राउन एल्गी, इसके पास फ्यूकोजेंथिन। दे आर रेड इन कलर, रेड ग्रीन इन कलर एंड दे आर ब्राउन इन कलर। ये कैसी होती है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकती है। ये कैसी होती है, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, इक्वली मिलती है मल्टीसेल्यूलर भी और यूनिसेल्यूलर भी। बट ये क्या होती है, खाली मल्टी सेल्यूलर, और ये लार्जेस्ट एल्गी भी इसी क्लास से मिलती हैं, लार्जेस्ट एल्गीज जो होती हैं। और ये कैसी होती है, डीपेस्ट एल्गी, बिकॉज दे आर फाउंड इन वॉर्म एंड डीपेस्ट लेवल ऑफ द सी और ओशियन। Deepest algae, or they are also known as ancient algae because they are believed to be the most primitive algae. Next है cell wall composition. Cell wall composition में क्या क्या है इनका different? एक तो है pectin, keratin, पॉलीसल्फेट, ईस्टर्स, दोज आर डिफरेंट कंपोनेंट इन रेड एल्गी सेल वॉल। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल कैसी है, रिजिड है ड्यू टू पेक्टोस एंड सेल्यूलोस, और इसमें जो केराजीन है उसके पास क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें क्या है, सेल वॉल एल्जीन और सेल्यूलोज तो सब में है ही प्रेजेंट, और एल्जीन में भी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इनमें पिगमेंट जो अलग ए बी तो दोनों में प्रेजेंट है, इसमें भी ए, क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें क्या प्रेजेंट है, फाइकोबिलिन, और फाइकोबिलिन में भी क्या प्रेजेंट है, फाइकोइरेथ्रीन, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए बी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए सी बीटा कैरोटीन
xanthophyll, और इनके xanthophyll में क्या प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथिन। ये हैं नॉन मोटाइल, रिड्यूस ए प्लेनोस्पोर, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड खाली ओगैमस से रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली। और ये है मोटाइल विद 2-8 फ्लैजेला एंड ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और ओगैमस तीनों ही तरीके के, कैसे तीनों ही तरीके से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ओगैमस में भी आइसोगैमस में भी मोटाइल अलग हैं, मोटाइल टाइप गैमेट्स अलग बनते हैं और नॉन मोटाइल अलग बनते हैं। फिर है हमारे ब्राउन एल्गी, ये क्या होती है, मोटाइल बाईफ्लैजिलेटेड, मतलब कि 0-2 प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला, और मेनली कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं और ज़ूस्पोर्स बनाते हैं इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीनों ही तरीके से ऑल थ्री टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द थ्री क्लासेस ऑफ एल्गीज। सो नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लास एल्गी, मतलब जो जितनी भी हमने सारी एल्गीज पढ़ी है इनको हमारे इम्पोर्टेंट क्यों, हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है ये, और एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो मोस्टली एल्गीज जो होती हैं वो हमारी एक्वेटिक होती हैं, मोस्टली मतलब मेजरली सारी ही एल्गीज जो हैं वो एक्वेटिक हैं इसलिए, और वो क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक भी होती हैं। तो क्योंकि ये वाटर में है और फोटोसिंथेटिक है, तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये क्या रिलीज करती हैं, रिलीज ऑक्सीजन एंड कंज्यूम CO2, यही होता है फोटोसिंथेसिस में। तो CO2 कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब CO2 को फिक्स कर रहे हैं। तो CO2 के मोर देन 50% ऑफ अर्थ, मतलब कि ज़्यादातर हमारे पानी में जो रहने, सारी पानी में ही रहती हैं एल्गी जो हैं, और जो हमारा 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है फिक्सेशन वो कौन करता है, हमारी अर्थ पे एल्गीज करती हैं, क्योंकि एल्गीज आर फाउंड इन दैट मच अबंडेंट नंबर, मतलब कि इतनी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि पानी में हमने भी देखा है एल्गर ब्लूम जो हो जाता है, पूरा पानी ग्रीन ग्रीन हो जाता है, वो सारी क्या होती है एल्गी। तो ये इतनी ज़्यादा मिलती हैं, मतलब अमाउंट में मिलती हैं, कि जो मोर देन 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन है जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें बचाती है।
तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये CO2 का फिक्सेशन कर रही है, वो भी मोर देन 50% ऑन द अर्थ। और इनकी वजह से हमें क्या भी मिला, क्योंकि CO2 फिक्स कर रही है और फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रही है। जो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है वो दूसरे एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे हैं या फिर प्लांट्स उस जिस भी जगह पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगी, जिस भी एक्वेटिक बॉडी में ये रह रहे हैं उसमें दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं दूसरे एनिमल्स। फिर है मोस्टली जो हमारे एक्वेटिक जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनके लिए एज प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर है, मतलब कि वहाँ पे जो उनके लिए उनको भी खाना चाहिए। तो वो जो छोटी छोटी एल्गीज वो छोटी छोटी फिशेज होती हैं वो किस पे फीड करती हैं, एल्गी पे फीड करती हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर बन गए, क्योंकि एज प्लांट एल्गी को कोई छोटी फिश खाएगी, फिर कोई बिग फिश इसको खाएगी, पूरी ऐसे करके ये साइकिल को रन करते हैं। तो फिर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। फिर है कुछ इनके ऐसे स्पीशीज हैं जो कि एज फूड डायरेक्टली यूज होती हैं, मतलब इनकी जो स्पीशीज है उनकी क्या करते हैं, पिल्स बनाते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन बनती हैं जो कि हमें, हम बहुत सारी एल्गी से हम प्रोटीन भी लेते हैं, प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगी तो उससे हमें क्या होता है, प्रोटीन की पिल्स, हम अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो उसके लिए पिल्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिन जो एज फूड भी ली जाती हैं और कुछ मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करती है, मतलब यूज होती है। फिर है हमने पढ़ा था कि जो ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है उनकी सेल वॉल में, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में है एल्जीन और ये कैराजीन किस में थी, रेड एल्गी की सेल वॉल में थी। तो इनके पास क्या थी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जब हमारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक छोटा सा पैकेट आता है वो डिहाइड्रेशन के लिए, कि जिससे कि ह्यूमिडिटी ना हो उसमें, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं, तो जब हम उनको स्टोर करते हैं उनकी पैकेजिंग जब होती है तो वो जो छोटा सा पैकेट डलता है उसमें क्या यूज़ होता है, कैराजीन और एल्जीन, इनको यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ड्राई रहे। तो ये हम किससे लेते हैं, ये भी हम एल्गी से ले रहे हैं, ब्राउन एल्गी से और रेड एल्गी से ये हम लेते हैं कैराजीन और एल्जीन, ये दोनों चीज़ें। फिर आती है आगार। आगार आगार हमारे किस में यूज़ होती है, आगार होता है एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक, और वो हमारे बायोटेक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब में, जो हम PCR करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, सब में आगार का हम यूज़ करते हैं, सारी इंडस्ट्रीज जो हैं बायोटेक्नोलॉजी की उसमें आगार का कमर्शियली यूज़ होता है फॉर कल्चर। अगर हम कल्चर प्लेटिंग कर रहे हैं बैक्टीरिया की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो वायरस बैक्टीरिया ये जो हम होस्ट में डालने के लिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो हम करते हैं उसमें हमारे क्या यूज़ होते हैं, आगार। और ये आगार भी हम किससे लेते हैं, एल्गी से लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ी थी जेलिडियम, ये क्या है, सीवीड। सीवीड वही मतलब एल्गीज हैं जिससे हम आगार को लेते हैं, और ये कहाँ पे यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और ये जो है हमारे जेलिडियम, जेली लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि, तो ये क्या करता है, ये काफी सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम्स। फिर है हमारी स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, ये क्या होती है, ग्रीन एल्गी है ये, जो कि डायरेक्टली एज फूड सप्लीमेंट ली जाती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। तो फिर जो हमारे स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो इसको एज फूड सप्लीमेंट लेते हैं और काफ़ी इनकी जो है पिल्स भी बनाई जाती हैं। तो ये सारी जो है हमारी क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गीज। सो एल्गीज आर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट एज वेल एज फॉर आवर इंडस्ट्रियल एंड सेल्फ वेलफेयर टू। तो अभी तक हमने देखा कि एल्गीज जो हैं उसकी कितनी डिफरेंट क्लासेज हैं, किन बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्या क्या उनके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट है और क्या उनकी
कॉम्पोजिशन है डिफरेंट, जिनकी वजह से उनको अलग अलग क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया गया, और उनकी क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ब्रायोफाइटा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.